हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए कुट्टू के आटे के पकोड़े बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 6 से 7 छोटे साइज़ के आलू को उबाल कर छील कर अच्छे से ठंडा कर लिया था। ठंडा होने के बाद इस प्रकार से आलू की चिप्स को हमने काट कर रखा है। आलू की चिप्स हमें ज़्यादा पतली नहीं काटनी है, नहीं तो बाद में वो टूट जाएगी। तो अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम लेंगे 1/2 कप या 1 छोटा बाउल कुट्टू का आटा और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। सभी मसाले को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। इस प्रकार से घोल को हमने बना लिया है। घोल हमें ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। अब हम पकोड़े बनाएंगे। आलू की चिप्स को घोल में दोनों साइड से अच्छे से डिप कर लेंगे और अब हम इसे तुरंत तेल में डालेंगे। तेल को हमने पहले से ही गरम करके रखा था। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही पकोड़े को हमें दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद पकोड़ों को पलट देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। दोनों साइड से पकोड़ों को अच्छे से फ्राई होने के बाद इसे हम तेल से निकाल लेंगे और बाकी के पकोड़े भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। गर्मा गर्म इन पकोड़ों को आप दही के साथ सर्व करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।